क्या पता है शायद एक यही रीजन है कि दिल्ली में इतनी ज्यादा चोरियां क्रेटा ही होती है। मेरे को दोबारा जलानी है तो लॉक करके फिर से अनलॉक करूंगा, लाइट्स हमारी दोबारा से ऑन हो जाएंगी। अच्छा इतने अच्छे अच्छे फीचर्स के पीछे एक बकवास फीचर बता देता हूँ हुंडई क्रेटा के बारे में। गाड़ी नहीं खुलती भाई साहब, इसको ऐसे प्रेस करो और ये जस्ट सिंपली इस तरीके से निकल आएगा। सबसे सिंपल सोबर जुगाड़ हुंडई की गाड़ी में। अभी ट्रैक्शन लिमिटेड पे है, फंस जाओगे बुरी तरह, शीशे वीशे तोड़ने पड़ेंगे तब जाके गाड़ी खुलेगी। ये क्रेटा 2024 है भैया, रिव्यू वगैरह आपने बहुत कुछ देख लिए, लेकिन क्या आप हिडन फीचर्स के बारे में जानते हैं जो क्रेटा 2024 में? ऐसे फीचर्स जो कंपनी भी आपको नहीं बताती है भैया, आप जानबूझ के पता नहीं, वो ब्रोशर में बस केवल अपने मेन मेन फीचर्स लिख देते हैं भाई इस वेरिएंट में यार, इस वेरिएंट में यार है। ये फीचर्स केवल एक कस्टमर को ही पता चलते हैं जब वो लॉन्ग टर्म में यूज करता है। अब आप धीरे धीरे लिटिल लिटिल एज्यूम करते जाओगे, एक बारी में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट फीचर के साथ स्टार्ट करते हैं भैया, हिडन फीचर जो है, देखो आपकी गाड़ी के साथ दो की मिलती है, आपको पता होगा, एक को हम अपना संभाल के घर पे रख देते हैं, दूसरी को ही हम नॉर्मली ऑपरेट करते हैं। तो होता क्या है भैया, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है और आपको दुश्मनी निकालनी है या उसको आपसे दुश्मनी निकालनी होगी तो वो क्या कर सकता है, इस गाड़ी के अंदर ये बेस मॉडल है भैया क्रेटा का, टॉप मॉडल के फीचर्स तो सब बता देते हैं, मैं आज आपको बेस का बता रहा हूँ जो गरीबों वाला हम जैसों का मॉडल होता है। तो वो क्या कर सकता है, इसके अंदर फ्लिप की आती है, आपकी चाबी को रखेगा अंदर, अगर दुश्मनी ही निकालनी है तो गाड़ी को लॉक कर देंगे। जैसे बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है भाई, आपकी गाड़ी अब जैसे लॉक का बटन दबा दिया है तो गाड़ी आपकी अनलॉक ही रहेगी। अब मैंने आपके सामने लॉक का बटन दबाया, अंदर से गाड़ी नहीं खुलती भाई साहब, ये कितना तगड़ा लोचा है। अगर चाबी अंदर, देखो चाबी भीतर ये पड़ी और आपकी गाड़ी अब मूड पकड़ के आप बैठे रहो। लेकिन भैया फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा या कुछ भी, आपको दूसरी चाबी इस तरीके से मंगवानी पड़ती है, फिर गाड़ी अनलॉक करनी पड़ती है, तब गाड़ी अनलॉक होती है। अब ये केस भाई तब तक सुनने में बहुत ईजी लग रहा है जब तक आपकी गाड़ी 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेडियस में रहे आपकी घर की, आप आराम से दूसरी की मंगवा सकते हो। सोचो आप पहाड़ पे गए हो घूमने, मनाली गए हो, यहाँ से 800 किलोमीटर पड़ता है, 1000 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे कोई आपकी गाड़ी साथ ये हरकत कर दे या फिर दूसरा ना करे, आपसी गलती से हो जाती है भाई, कई बार हो जाती है आदमी से कि वो आराम से अंदर चाबी रख देता है और फिर लॉक बटन दब जाता है या कैसे भी गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है, फंस जाओगे बुरी तरह, शीशे वीशे तोड़ने पड़ेंगे तब जाके गाड़ी खुलेगी। अच्छा इसमें एक और केस है भाई, अब यहाँ पे अगर चाबी आपकी इसमें लग रखी है तो ये लॉक नहीं होती है, देखो कितना ही मैं लॉक बटन दबा लूं पर जैसे इससे गाड़ी की चाबी निकली है तो ये लॉक होने लग जाती है। एक चीज और ट्राई करने वाला हूँ, गाड़ी चाबी अंदर रख दी है, शीशा इस बार हमने खोल दिया है, यहाँ पे देखिए गाड़ी अपनी लॉक हो चुकी है। अब अगर इस गाड़ी के अंदर ये भी दिक्कत एक और है भैया, अगर मैं यहाँ से जैसे चोर वगैरह का सीन हम कई बार लेते हैं तो इसको जैसे अगर मैं यहाँ पे अनलॉक करूंगा तो ये देखो आराम से गाड़ी खुल गई है, यहाँ से मैं खोल सकता हूँ गाड़ी, कोई भी पोंप वगैरह कुछ भी टूटा नहीं करेगी इसको। इस केस से समझो कोई शीशा वीसा तोड़ दे उसके बाद अनलॉक करे तो क्या होगा उसका, भाई हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं, क्या पता इसके अंदर इंपैक्ट सेंसिंग कुछ डोर लॉक या फिर अलर्ट सिस्टम हो। एक बार बाहर निकाल के भी ट्राई कर लेता हूँ, चाबी निकाल के शीशा खुल रहा है, यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया गलती से, हम कहीं पार्किंग वगैरह में गए, मॉल वगैरह में घूमने गए हैं, शीशा खुला रह गया है। तो यहाँ पे कोई भी बंदा आके अनलॉक कर सकता है गाड़ी को और कोई भी गाड़ी आवाज वगैरह नहीं कर रही है, ऐसा नहीं मैंने चाबी से म्यूट वगैरह रखा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये वो नहीं करते, तो चोर इसको आराम से लेके जा सकते हैं। क्या पता है शायद एक यही रीजन है कि दिल्ली में इतनी ज्यादा चोरियां क्रेटा ही होती है। दूसरे फीचर की बात करें तो आजकल की गाड़ियों में भाई आपको पता है 3 सीट बेल्ट का आता है, 1, 2 और एक पीछे अगर जो बंदा बैठा रहेगा उसका भी वेट वगैरह, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होगी और गाड़ी सेंस करती है कि भैया पीछे बंदा बैठा हुआ सीट बेल्ट लगा, तो उसकी भी बत्ती जलती रहती है। इस तरीके के 3 अब सीट बेल्ट आएगा ना आते रहते हैं। लेकिन क्रेटा जैसी गाड़ी में आप क्या कर सकते हो, अगर ये बंदा बैठा हुआ है और आपको वो बीप बीप नहीं बजवानी, अगले केवल 2 तक ही आप सीमित है, तो यहाँ पे हुंडई ने कमाल की चीज क्या कर रखी है, यहाँ पे सेंसर इसके ओपनली रहते हैं, देखो फिट एंड फिनिशिंग की वायरिंग वगैरह एकदम नॉर्मली आपको उजक के दिखती रहती है। तो आप नॉर्मली एक चीज कर सकते हो, अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज से चाहते हो तो ये कपलर है भैया इनका, इस तरीके से आप जस्ट इसको ऐसे प्रेस करो और ये जस्ट सिंपली इस तरीके से निकल आएगा। सबसे सिंपल सोबर जुगाड़ हुंडई की गाड़ी में, अब सेंसर का कनेक्शन ही कट हो चुका है, अब उसको ना वेट का पता चलेगा, ना सीट बेल्ट की आवाज आएगी, ना कुछ भी, कल को भी मन करे कभी भी लगाने का दोबारा से लगा सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरीके से लग जाएगा और यू आर गुड टू गो, अब वो बीप दोबारा से करने लग जाएगी। ये ऐसे खुराबाद हिडन फीचर्स भैया मेरे को ना अपने फार्म पे बैठे बैठे ही अपना डिस्कवर से होते रहते हैं, अपने आप पता चल रहा है। तो फार्म से याद आया, आपको एक बात बताता हूँ भाई दिल की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे देखो अपने फार्म वार्म बन गया, आपको पता ही है सबको, और यहाँ पे हम अपनी ज्यादातर वीडियोज यहीं पे शूट करते हैं गाड़ी का रिव्यू वगैरह हो, और भैया इस जगह को चूज करना और वो सब करना ना इतना इजी नहीं था। जैसे जब हम इसको चूज कर रहे थे ना, जगह ढूंढ रहे थे भैया, कभी लोकेशन का इशू है, कभी लोकेलिटी का इशू, कभी बजट का इशू, ऐसा करके बड़ी मतलब दिक्कतें आती थी यार। और एक बार तो ऐसा हुआ था दिसंबर 2022 में ना, हमने एक जगह 90,000 रुपए दे भी दिए थे, मतलब एज अ टोकन मनी, और फिर बाद में पता चला वो तो प्रोजेक्ट ही स्क्रैप हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया, और भैया फिर हमारे 90,000 रुपए वो डूब गए। अब हम फोन करते उनके पास, ऑब्वियस सी बात है हर कोई बंदा फिर
भाई गोली देता है, टरकाता है यार, बहाने मारता है, दे देंगे यार व्हाटएवर। परेशान से हो गए यार इस तरीके से कि यार रुपए भी डूब गए यार। बंदा अपना सेव पाई पे करके तो सेविंग करता है और फिर वो डूब जाए तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। बट भाई बार बार अब रिजेक्शन मिलने के बाद सारे होप छोड़ दिए कि अब छोड़ो यार। बट फिर पता है एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे से कहा, बेटा एक बार ना आप एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो, शायद कुछ हेल्प या सॉल्यूशन मिले कि आखिर ये दिक्कत है कहाँ। तब भाई हम मिले एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से एस्ट्रोटॉक ऐप पे और उनसे बात करके तो भाई हमारी लाइफ ही शॉर्ट हो गई। जैसे हमने उनसे बात करी ना तो उन्होंने हमसे पूछा कि अपनी डीओबी और जो टाइम है आपका, मतलब डेट ऑफ बर्थ का, एक बार वो बताओ। हमने जैसे ही वो बताई ना, उनका अगला क्वेश्चन ये था कि आपके रिसेंट में कोई पैसे डूबे हैं और मतलब प्लॉट घर वगैरह को लेकर कुछ इशू चल रहा है क्या। भाई मैं तो सुनते ही एकदम शॉक रह गया कि यार जो बातें सिर्फ घर वालों को पता है वो इनको कैसे पता। भाई फिर मेरा ट्रस्ट प्रिया जी पे और इस ऐप पे पूरी तरीके से बैठ गया और फिर मैंने इनको सब कुछ डिटेल में बता दिया। और भैया फिर उन्होंने सब कुछ मतलब एक्सप्लेन किया मेरे को ढंग से और मेरे को फिर बताया कि ये सब चल क्यों रहा है और मेरे को दो सॉल्यूशंस भी बताए और कहा कि 9 दिन तक कंटिन्यूअसली ऐसे ही करना है। और उन्होंने मेरे को दो डेट्स दी और कहा कि इन दोनों डेट्स में से किसी एक दिन पे प्लॉट उसको लॉक कर देना। और भाई मैंने ऐसे ही किया और सच बता रहा हूँ, जैसे ही हमने फिर वो प्लॉट देखी ना वो तुरंत लॉक हो गई। भाई मैं तो खुश हो गया यार। उन्होंने कहा था कि मार्च से ना सितंबर 2023 तक आपको मतलब ये प्लॉट वगैरह लॉक हो जाएगी, मिल जाएगी। और भैया ऐसा ही हुआ, हमको वो मिल गई और अभी मैं खड़ा हूँ आपके सामने। इसमें हमने इस फार्म के अपने इनॉग्रेशन में उन प्रिया जी को भी बुलाया था बट भाई उनका ना मतलब पर्सनल इवेंट्स वगैरह में जाना अलाउड नहीं होता है। अब भाई कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है ना तो मैं घर बैठे बैठे ही प्रिया जी से बात कर लेता हूँ एस्ट्रोटॉक ऐप पे। और तो और भाई प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, किसी को शादी से लेकर प्रॉब्लम है, रिलेशन में प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, बच्चों से लेकर प्रॉब्लम। भाई बैठे बैठे सोचने से कुछ फायदा नहीं है, एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो। एक काम करता हूँ मैं, जो एस्ट्रोटॉक ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां जाके डाउनलोड करो, उनसे बात करो, पहली चैट आपको फ्री है। तीसरे फीचर की बात करते हैं तो भैया वो भी थोड़ा अलर्ट रिलेटेड ही है। जैसे आपको सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो 222 की आवाज आती है ना, अभी थोड़ी सी बेचारी मंदी पड़ गई है क्योंकि ये भी ऐसे है कि ढीठ आदमी है, 2-3 मिनट से मैं 222 कर रही हूँ, मेरा भी गला सूख जाता है तो मैं अब नहीं करूंगी। तो उसको इसकी वॉल्यूम को आप इस गाड़ी में एडजस्ट कर सकते हो भैया। इसके अंदर अब जो नई वाली आ रही है एक रेटा, इसके अंदर एक फीचर आता है ड्राइवर असिस्टेंस का। इसमें आप वार्निंग मेथड्स में जाके यहाँ पे वार्निंग वॉल्यूम का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप इसको हाई चाहिए, मीडियम, लो, इस तरीके से आप जो साउंड है इसकी इसको भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको बड़े बूढ़ों को करना तो हाई पे कर दो, भैया लगाओ ये लगाओ, इरिटेट कर देगी। और इसमें ये भी इंक्लूडेड होता है इंडिकेटर की आवाज़ जो टक 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 इस तरीके से आती है, तो सारी आवाजें इसमें इंक्लूड होती है। स्पीकर से आवाज नहीं आती ये वाली भाई, ये आपको इंटरनली एक छोटा सा हल्का पतला स्पीकर टाइप से चीज रहती है क्योंकि इसके अंदर देखो कोई भी वो बेस मॉडल है तो स्पीकर वगैरह तो आते नहीं है। फोर्थ फीचर भाई क्रेटा की कोई सा भी मॉडल हो उसके अंदर एक बटन तो चाबी में होता ही है, होल्ड करके आप रखते हो तो बूट आपका अनलॉक हो जाता है। अब ये भी इतना कमाल का फीचर है जो आपको पता नहीं होता है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारी गाड़ी लॉक है, अगर हम खोलेंगे तो देखिए कोई भी डोर अपना अनलॉक नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको होल्ड कर रखूंगा तो आप देखना केवल हमारा बूट ओपन होता है, उसको ओपन करना एक बार डोर को, ये नहीं हो रहा है, जबकि अगर मैं बूट को ओपन करूंगा तो ये हो गया है। अब इसमें स्पेशल चीज क्या है, जब हमने ये अनलॉक कराया तो जब हम इसको बंद करेंगे, ये देखना भाई एक मिनट, चाबी मेरे पास है, बंद करो, गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है, मैंने कोई बटन नहीं दबाया। अब दोबारा डिग्गी खोलना, देखो डिग्गी अब दोबारा से नहीं खुलेगी। अब मैं इसको होल्ड करके रखूंगा तो केवल बूट अनलॉक हुआ, दोबारा खोलो, एक बार लगा दो दोबारा, गाड़ी में दोबारा आपको लॉक करना नहीं पड़ता है। एक बार देखो अपने आप लॉक हो गया, ये सामान रखा, फिर आपको चाबी से कुछ नहीं करना। दिस इज वेरी कूल फीचर ऑफ दिस बटन। नेक्स्ट फीचर है भाई थोड़ा सा हमारी राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ। जैसे कई भाइयों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है साउथ वगैरह में, या फिर कई बड़े बूढ़ों को हमारों को भाई समझ नहीं आती है, तो इसके अंदर भाई अब ह्यूंडई ने इतने खास खास अच्छे अच्छे फीचर्स डाल दिए हैं इसमें। जब आप लैंग्वेज में जाओगे तो हिंदी से लेके मराठी से लेके, तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कौन सी लैंग्वेज है, मराठी वराठी गुजराती व्हाटएवर, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो आप देखो, तेलुगु पंजाबी वगैरह आपके पास काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे जब मैं हिंदी सेलेक्ट कर दूंगा तो आप देखिए हर चीज आपकी, ईंधन कम है मतलब तेल कम है, ड्राइवर सहायता रीसेट करें, हर चीज आपकी मतलब फिर हिंदी में लिख के आएगी। अगर आपके पास एंटरटेनमेंट टॉप मॉडल वाला होगा उसके अंदर सारी चीजें अपनी उसमें हो जाएंगी हिंदी में। तो ये यूरिया लेवल वगैरह आप देखिए हर तरीके से, टायर प्रेशर वगैरह, दुनिया भर की आपके पास लैंग्वेज है, कोई भी आप सेलेक्ट करके आराम से अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हो। आजकल फोन ही बन गए हैं यार गाड़ी घोड़ा भी। छठे फीचर के लिए भाई मेरे को अंधेरे में आना पड़ेगा थोड़ा सा। लाइट्स यहाँ पे मैंने ऑन कर दी हैं, ये देखो लाइट ऑन है हमारी, ये लाइट मैंने मैनुअली ऑन करी है। एक तो होती है डोर पे जब मैं डोर खोलूंगा तो जलेगी, लेकिन मैंने ये मैनुअली ऑन ही कर दी है। और हेडलाइट्स भी अपनी गाड़ी की ऑन है। अब मैं गाड़ी को बंद करूंगा, देखो वर्तमान ट्रिप वगैरह, नेक्स्ट जो हिंदी रिलेटेड फीचर था। अब ये एक मिनट देखते हैं भैया ये जो लाइट्स है अपनी कितनी देर में बंद होती हैं, आगे की भी जली हुई हैं। तो कई लोगों का डाउट होता है ना भैया कि बैटरी चूस जाएगी, लाइट बंद करो, जैसे हम कई बार जाते भी हैं, मैं स्टाइल मारता हूँ, नया लड़का हूँ मेरे को तो पता है, तो भाई सब यही कहते हैं पापा आ रहे, कोई भी मेरे साथ रहता है लाइट तो बंद कर दे वरना बैटरी बोल जाएगी। अभी आप एक मिनट देखो भाई, 10 सेकंड भी नहीं लगते गाड़ी के अंदर पूरी पूरी लाइट्स हमारी बंद हो चुकी हैं। अगर मैं अंदर की लाइट्स की भी आपको बताऊं, अंदर की लाइट भी बुझ चुकी है। तो ह्यूंडई ने बहुत अच्छा ये फीचर दे रखा है, इसकी बैटरी हमारी वो नहीं होते है भाई ड्रेन। अब मैं दोबारा से जैसे गाड़ी के पास आऊंगा भाई, दोबारा से हमारी जो हेडलाइट्स हैं ये ऑन हो जाएंगी
और एक और फीचर है भाई, जैसे ही मैं इसको डबल प्रेस एक बार और अनलॉक करूंगा, मेरे को लाइट बंद करनी है, तो मैं इसको दोबारा से अनलॉक कर दूंगा गाड़ी को। ये देखो दोबारा से ये अपनी बंद हो चुकी है, मेरे को दोबारा जलानी है तो लॉक करके फिर से अनलॉक करूंगा, लाइट्स हमारी दोबारा से ऑन हो जाएंगी। अच्छा इतने अच्छे अच्छे फीचर्स के पीछे एक बकवास फीचर बता देता हूँ हुंडई क्रेटा के बारे में, वरना पेड़ सी लगेगी आपकी वीडियो। इसमें जैसे इंडिकेटर जला देते हैं 1000 लाइट्स फोड़ की, या फिर जो महिंद्रा गाड़ी में वो क्या सिस्टम होने लगी, 1000 लाइट ऑन है, और मान लो अब मेरे को एकदम मुड़ना है तो मैं जैसे इंडिकेटर दूंगा ना तो उनमें दोनों लाइट बंद होकर एक इंडिकेटर जलने लग जाता है, जैसे न्यूट्रल करूंगा दोनों 1000 लाइट जलने लग जाती है। इसके अंदर कोई सा भी इंडिकेटर दे लो दोनों जलती ही रहेंगी, यानी कि बंदे को पता ही नहीं चलेगा पीछे वाले की मैं मुड़ना कहां जा रहा हूं, दोनों ही जलती रहेंगी, तो ये बहुत घटिया। साथ में एडन फीचर हमारा और दोस्त भाई, कैसे हो भाई, सुनाओ। आओ जी बैठो, चलो भैया चलते हैं। भैया जैसे ही मैं चलना स्टार्ट करूंगा साथ में फीचर में, तो यहाँ पे गाड़ी मचान लगेगी टू 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 टू। अब ये उससे लिंक है जो मैंने वार्निंग वॉल्यूम यहाँ पे तेज करी थी। अब इसमें क्या फीचर है भैया, अब जैसे गाड़ी 35 पे चल रही है, ये डोर, जैसे ये डोर खुला हुआ है, अब ये लगाने की ट्राई करेगा ना, लगाओ खोलो, लगाओ भाई लगाओ, मुझे नहीं पता आपने मेरी गाड़ी में क्या कर दिया, लगाओ लगाओ, ये देखो भाई टक 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 गाड़ी खुलेगी नहीं, बेशक से दरवाजा यहाँ पे खुला हुआ बता रहा है, लेकिन भाई गाड़ी नहीं खुलती है फॉर सेफ्टी पर्पज ऑफ जो पीछे आते हैं बाइक वाले, इनके लिए भैया, क्योंकि अगर इसने खोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गाड़ी कहती है जब तक तुम 20 से नीचे मेरे को नहीं लोगे मैं नहीं खुलूंगी। अब देखो 14 पे स्पीड हमारी, अब देखो आराम से ये बंद हो सकता है। अभी जरा भैया इसके इस बटन से रिलेटेड जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, जैसे ये ऑन है भैया ट्रैक्शन दोनों टायर्स में, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, अगर एक टायर पे ट्रैक्शन कम लग रहा है, एक पे ज्यादा लगाने की जरूरत है, अगर फंसी पड़ी है, तो उस कंडीशन में ये आराम से डिटरमाइन करता है कि भैया कहाँ जाना है। तो मैं रेस दूंगा तो ये देखना ऐसे व्हील स्पिन नहीं कर पाती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है गाड़ी का कि अगर आपको घुमाने हैं तो ये फालतू में पावर को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट तो करती नहीं है, ये पावर को वहीं घटा देती है, इंजन आपने देखा एकदम लैग सा मार जाता है, तो ये बेफालतू में पावर नहीं होने देती है। तो इसमें सबसे पहले क्या यूज में आता है भैया, बंदे हर कोई ये सोचता है कि भैया मैं ट्रैक्शन कंट्रोल करूंगा ऑफ, तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ जैसे हम बटन दबा देते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है ट्रैक्शन और कंट्रोल लिमिटेड, मतलब सीमित, यहाँ पे ट्रैक्शन का ऑफ हो जाता है। अब लोग सोचते हैं भैया मैं अब रेस देके अब इसमें व्हील स्पिन मारता हूँ, ये इस तरीके से, ये देखो गाड़ी ने करी व्हील स्पिन, पर उस लेवल की नहीं करी जो एक बंदे को चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, सबसे पहले हम लिमिटेड में देखेंगे, उसके बाद अगर ये फुल पूरी तरीके से आपको ट्रैक्शन खोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन जब लिमिटेड में होता है ट्रैक्शन कंट्रोल तो क्या डिफरेंस होता है ये आप देखिए वीडियो में। अभी ट्रैक्शन लिमिटेड पे है, तो भाई अभी शायद इतना मजा ना आया हो, अगर आपको अभी अनलिमिटेड पे करना है ट्रैक्शन पूरी तरीके से खोलना है तो भाई इस ट्रैक्शन बटन को हमको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता है, तब जाके ये पूरी तरीके से खुलता है। ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल और ESC अक्षम किए गए हैं, यानी कि बंद कर दिए गए हैं, ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी और ट्रैक्शन कंट्रोल भी। अब गाड़ी पूरी रॉ फॉर्म में है, जैसे आपको कट मारने हैं अब गाड़ी उसमें आपकी हेल्प नहीं करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं, अब ये रॉ बन चुकी है, मंदे टाइम की गाड़ी बन चुकी है, जैसे वैगनार वगैरह में इसमें सब कुछ नहीं आते, अब आप ढंग से पेलो गाड़ी का ये कहना है। तो इसको प्रॉपरली ऑफ करने के लिए भी आपको प्रेस करके रखना पड़ता है। अब अनलिमिटेड ट्रैक्शन कंट्रोल में कैसा परफॉर्म करती है अब आप वो भी देखिए। नोवा है भाई, इसके अंदर जो है सीट्स आते हैं ना 60-40 रिक्लाइन सीट्स, ये आप देखो इसको आप ऐसा रिक्लाइनर जो टॉप मॉडल वाली सीट्स होती है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है उस तरीके से भी यूज कर सकते हो इसको। आप देखो इस तरीके से जैसे किसी की कमर में दर्द होता हो भैया, तो आप देखो इसको ज्यादा लुटा सकते हो इसको कम लुटा सकते हो, देखिए इस तरीके से ये आराम से इसकी पोजिशनिंग इसको आप करिए और यहाँ पे ये इस तरीके से सेट हो गए हैं, यहाँ पे देखो ये इससे ऊपर आ रही है, देख रहे हो आप। अगर आपको पूरी लुटानी है तो आप इसको और ज्यादा खींच के इस लीवर को और ज्यादा पीछे कर सकते हो, ये देखो एकदम फुल लोड गई है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी वाली को भी अगर हम करना चाहें तो सेम तरीके से जो बड़ी वाली है उसको भी ऐसे कर सकते हैं, अगर हम उस लीवर को खींचेंगे देखो ये पूरी लौट गई है, अगर हम चाहें थोड़ी सी ऊपर अटक जाए तो वो भी हम करके इस लीवर को आराम से इस तरीके से अटका सकते हैं, देखो थोड़ी ऊपर हो गई है, अब हम इसको चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, तो ये कंफर्ट अपनी कमर का अपने अकॉर्डिंग मिल सकता है, ये दैट इज रियली नाइस फीचर, लॉन्ग जर्नीज में बहुत काम आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर है भाई एक और, जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे प्रॉपर आवाज आ रही है लॉक अनलॉक की, जैसे मैं यहाँ पे लॉक का बटन दबा रहा हूँ कोई भी साउंड नहीं कर रही है, इसका मतलब गाड़ी का कोई ना कोई डोर वगैरह खुला हुआ है। अब ये चीज भाई उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो इसको बीप को ऑन रखते हैं, देखो इसकी हम बीप को जैसे ये टूट हुआ ना तो बहुत लोगों को इरिटेटिंग भी लग सकती है, रात को भैया सो रहे हो चुपके से निकलना हो घर पे कहीं से, तो आप क्या कर सकते हो दोनों बटन्स को आप होल्ड करके रखते हो तो अपनी जो ये आवाज है म्यूट हो जाती है भैया, ये देखो म्यूट हो गई है, ये बहुत मंदे टाइम से मैंने 2020 में ही बता रखा है ये वाला फीचर तो आता है। तो अब मैं लॉक करूंगा अनलॉक करूंगा सॉरी कोई भी आवाज नहीं आ रही है, लॉक करने पे देखो कोई भी लाइट नहीं जल रही है, तो बीप से तो हमको इसको क्लियर आइडिया लग जाता है, हम लाइट्स पे कई बार ध्यान नहीं देते हैं,
तो अगर आपकी गाड़ी म्यूटेड है तो अगर ये इंडिकेटर नहीं चल रहे तो सोच लेना कोई ना कोई डोर खुला हुआ है। तो अब इसका जो बोनट खुला होगा, अगर बोनट भी जैसे गलती से अगर खुला रह गया तो भैया गाड़ी लॉक नहीं होगी, यानी कि इंडिकेटर नहीं देगी। अब जैसे हम इसको लगाएंगे और मैं लॉक का बटन दबाऊंगा, अपने आप जैसे ही गाड़ी का बोनट लगा है अपने आप से इंडिकेटर जल गए, यानी कि लॉक हो गई है। सेम चीज़ अप्लाई होती है भैया डोर्स के साथ भी। अगर आपका कोई सा भी डोर यहाँ पे खुला रह जाता है, जैसे ये देखिए ये खुला रह गया है, अब मैं यहाँ पे गाड़ी को अनलॉक तो हो रही है गाड़ी, लेकिन लॉक करूँगा तो गाड़ी लॉक नहीं होगी। सेम तरीके से अगर हम इसको बंद कर देंगे, देखो ये बंद कर दो, अपने आप गाड़ी अपनी यहाँ पे लॉक भी हो जाती है। तो ये थे भैया ह्यूंडई क्रेटा के इतने सारे जबरदस्त फीचर्स। आने वाले टाइम में और जैसे चलाऊंगा धीरे धीरे और डिस्कवर होंगे, तो मैं भाई साहब शेयर करता हूँ। आपका फेवरेट पर्सनली कौन सा था इनमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।